हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने फीमेल रैबिट की केयर ले सकते हो बेबीज के बर्न के बाद। आप देख सकते हैं ये चार बेबी बनीज है, ये अभी आज तीसरा दिन है इनका, 2 डे ओल्ड है ये। अभी ये मेरी फीमेल रैबिट है जिसके बेबी बनीज है। मैं आपको पहले दिन ही इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला था इसके 1 महीने पहले, पर नहीं दे पाया क्योंकि बिजी था मैं। इस वजह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आप तो देख सकते हैं कितने क्यूट होते हैं। अभी आप सोच रहे होगे ये कितने दिनों में बढ़ेंगे। इन्हें 1 to 14 या फिर 15 डेज लगते हैं बढ़ने में। अगर आपकी केयर अच्छी हो तो ये 7 दिन में आँखें खोल देते हैं, लेकिन अगर पूरे दिन अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा लग जाते हैं तो कोई बात नहीं। पर तब भी अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरी रैबिट इसके बेबी बनीज है। आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ कि इनकी केयर कैसे लेनी है। मेरा एक प्रेगनेंसी टेस्ट का वीडियो है, बहुत पुराना हो गया है, आप उसे देख के भी इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा डालने वाला हूँ। और आपने अगर मेरा आईज इन्फेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी प्लीज़ देखिए, वो डेंजरस हो सकता है इसलिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने रैबिट की केयर करोगे। इसमें आपको मैं प्रेगनेंसी की केयर तो बताऊंगा, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। और इन्हें कितने दिनों तक कैसे रखना है वैसे, और दूध पिलाने की तरकीब मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को सीरियसली ना ले। अभी प्रेगनेंसी के वक्त आपको रैबिट को क्या खिलाना है उस पर बात करते। इस ऐसे वक्त में आपको करना क्या है, इन्हें हरी सब्जियां खिलानी है। फॉर एग्जांपल ये चारा आप देख सकते हैं, चारा। फिर आप रोटी भी दे सकते हैं। रोटी के बाद अभी आप पोषण वाली चीज़ें जैसे गाजर है वो भी दे सकते हैं, मेथी ना दे। और रात को कुछ गर्म चीज़ें या फिर खिचड़ी ऐसे आपको अच्छे से देना है। सारी डाइजेशन अगर इनकी ठीक होगी तो फिर बेबीज भी बहुत अच्छे होंगे, कोई इसमें कोई शक नहीं। और अगर आपके बेबी बनीस जन्म लेते दूध नहीं पी रहे तो फिर इस कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आप हमेशा अभी इन्हें ऐसे ही खिलाइए। मेरी फीमेल रैबिट को मैंने यही खिलाया था। अभी हम बताएंगे इसके लक्षण जब ये बेबी बनीस को बर्न देने वाली होती। वैसे तो जिनके पास रैबिट फार्म है उन्हें तो ये पता नहीं चलेगा कब इनके रैबिट्स का बर्न होगा, कब इनके रैबिट की डेट हो जाएगी। इसलिए मैं उन लोगों के रेकमेंड कर रहा हूँ जिन लोगों के पास फार्म नहीं है मेरी तरह, मतलब स्पेशल रैबिट है उनके लिए ये तरकीब। या जिनके पास ज़्यादा रैबिट नहीं है उन्हीं के लिए है जैसे मेरे पास। अभी आपको देख सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को, इनके बर्न से पहले क्या चीज़ें होती है। आप देख सकते हैं मेरी फीमेल के बाल निकले हुए हैं, इसने निकाल लिए थे। आप ये जो देख रहे हैं इसमें मैंने कपास भी डाला है, पर ये मेरे खरगोश का बाल है आप देख सकते हैं। और ये होता है एक लक्षण। और दूसरा लक्षण होता है ये अच्छे से नहीं रहती, मतलब कुछ भी चीज़ें फाड़ने लग जाती है। आप देख सकते हैं इसके आसपास सारी चीज़ें पड़ी हुई है, ऐसे वैसे बिखर है, पर बेबी इसके पास कुछ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मेरी फीमेल रैबिट को कितनी भूख लगी है। इससे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके रैबिट के बेबीज का बर्न होता है उसके बाद आपकी रैबिट थोड़ी भूखी सी हो जाती है, इस वजह से आप खाने को दीजिए। अभी रैबिट ने बर्न दिया है बेबीज को तो फिर अभी ना खिलाए कुछ भी, अभी ना खिलाए पर बाद में खिलाए। और आप अभी जितना हो सके उतना ही इन्हें ज़्यादा हरी सब्जियाँ खिलाएं। और आप अगर घास रोज़ रोज़ खिलाते हैं तो थोड़ी सूखी हुई घास खिलानी चाहिए। मेरे रैबिट्स जो है मैं इन्हें सूखी घास खिलाता हूँ, पर कभी कभी ऐसी हरी घास भी खिला देनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं इसकी डाइजेशन की। जब इसके बेबीज का बर्न हो जाए बाद में तो तब आपको करना क्या, इसे डाइजेशन में हरी सब्जियाँ देनी है। इस प्रकार चारा आप ज़्यादा प्रमाण में खिलाए और बाद में रोटी देनी है। रोटी कैसे, पर
तेल होता है उस तेल के साथ काला बनाई हुई वो रोटी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इन्हें मिल्क फीडिंग का बनाने वाला हूँ। और इसके बाद आपकी मदर आपके फार्म में अगर मदर रैबिट हो वो अगर फीडिंग नहीं करवाती उसमें उसका भी वीडियो है, पर मैं अपने हाथों से इन्हें दूध पिलाता हूँ क्योंकि आपके रैबिट के बेबीज जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, उन्हें नाखून लग सकता है। आपको बहुत से आइडियाज़ दूंगा मैं जिनमें से आपको जो अच्छा लगे वो करना। फ्रेंड्स, इन्हें हरी सब्जियाँ और फिर तेल के साथ एक रोटी और बाद में आपको इन्हें आपको जो अच्छा लगे वो खिलाना है, लेकिन ध्यान रहे जो चीज़ें नमकीन है वो इन्हें ना खिलाए ज़्यादा। आप इन्हें कुछ भी खिला सकते हैं, आप इन्हें लड्डू भी खिला सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कि इससे बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बेबीज़ इसका ही दूध पीते हैं तो इस वजह से इसकी प्रॉब्लम इन्हें भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। ये रैबिट्स जो है आप इन्हें देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार के दिखते हैं। कोई कोई लोग इन्हें चूहे का बच्चा समझ लेते हैं। प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और कभी भी इन रैबिट के बेबी बनीस को चूहे का बच्चा ना समझें। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले।